हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं PUBG Lite के कुछ ऐसे फीचर्स जिसके बारे में आपको शायद से ही पता हो। तो जैसा कि हम सबको पता है कि PUBG Lite एक ऐसा गेम है जो कि कॉम्बिनेशन है PUBG PC और PUBG Mobile का, और क्योंकि ज्यादातर PUBG Mobile प्लेयर्स जो कि खेलते थे PUBG Mobile को एमुलेटर पे हैज शिफ्टेड टू PUBG Lite, तो देयर आर ग्रेटर चांसेस कि उन लोगों को कोई आईडिया नहीं है अबाउट दिस फीचर्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन, मगर इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्ड्स की। अनलाइक PUBG Mobile Emulator, इधर सीट चेंज करने के लिए यू हैव टू यूज कंट्रोल प्लस सीट नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्राइवर सीट में बैठना चाहते हो तो आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस 1, राइट फ्रंट सीट के लिए कंट्रोल प्लस 2, लेफ्ट बैक के लिए कंट्रोल 3 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं स्नाइपर्स की। आपने स्नाइपिंग के वक्त नोटिस किया होगा कि आपका स्कोप जो है वो अनस्टेबल रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका कैरेक्टर सांस ले रहा है। तो आप सिंपली शिफ्ट बटन को दबाइए टू होल्ड योर ब्रेथ एंड स्टेबलाइज योर एम। और अभी आते हैं वेपन्स पे। क्या आपको पता है कि आप अपने वेपन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं? By default, अगर आप J दबाओ, then it will inspect your weapon. और मेरे लिस्ट में चौथी है वॉकिंग। तो PUBG में यूजुअली हम स्प्रिंट करते हैं या तो वी रन, बट ऑल्सो वी कैन वॉक। इससे फायदा यह होता है कि एनिमी को आपका फुटस्टेप्स नहीं आते हैं। और लास्टली हम बात करने वाले हैं POV के बारे में। PUBG Lite में PUBG Mobile के तरह ही दो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, TTP और FPP। और PUBG Lite पे आप FPP का मजा TTP गेम्स में भी ले सकते हैं। और एज पर डिफॉल्ट सेटिंग्स, ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस V टू टॉगल व्यूज। So that's all for today guys. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। See you in the next one. Until then, bye-bye.